डायरेक्टर मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म फैशन अपने अलग स्टोरी लाइन को लेकर रिलीज के पहले ही काफी चर्चा में है। इस फिल्म के रिसर्च के सिलसिले में मधुर आजकल काफी फैशन शोज भी अटेंड कर रहे हैं, मगर जब वो फैशन कैपिटल दिल्ली में पहुंचे तो ये था एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए। मधुर भंडारकर की फैशन में लीड रोल में होंगी प्रियंका चोपड़ा, साथ ही कंगना रनौत और मॉडल मुग्धा गोडसे भी इस फैशन की चकाचौंध का हिस्सा बनेगी। उनकी हर फिल्म की तरह इस फिल्म की स्टोरी लाइन भी है अलग। देखिए फैशन जो है, जैसे टाइटल है फैशन है, तो डेफिनेटली फैशन वर्ल्ड पे होगा, जाहिर रैंप होगा, लोग होंगे, मॉडल्स होंगे, डिजाइनर्स होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, जो फैशन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हाँ, कहीं ऐसी चीजें होगी जो आपको फैशन में देखने मिलेगी, शायद जो आपको टेलीविजन चैनल पे देखने मिलता होगा। आजकल फिल्मों में स्पोर्ट्स, रेट्रो और क्लासिक के एलिमेंट्स काफी नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद मधुर अपनी फिल्म से ऑडियंस को कुछ अलग देने का सोच रहे हैं, और हाल ही में जब दे जब भी मैं जैसी फिल्मों ने मधुर का दिल ही जीत लिया है। मुझे चक दे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, ब्रिलियंट फिल्म, नाइस, एंड रिसेंटली आई लाइक्ड जब वी मेट, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट मूवी। ये इंडस्ट्री जो है, इट्स गॉन टू कंप्लीटली रिवैम्प फ्रॉम लास्ट 4-5 इयर्स। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मधुर अगर कहीं जाते हैं तो सिर्फ अपने स्क्रिप्ट या स्टोरी रिसर्च पे, और दिल्ली में हुए इस एग्जीबिशन में अनारकली के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया था। अब देखें, चांदनी बार, पेज 3, कॉर्पोरेट, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन के बाद मधुर अनारकली पर फिल्म बनाते हैं या आर्ट वर्ल्ड के स्कैंडल्स पर। सौम्या चंदेल के साथ श्रुति मुर्देश्वर, जूम।